हाय फ्रेंड्स, यू आर वेरी मोस्ट वेलकम ऑन यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैंने एड जरा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ, तो आप मेरी सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। जो देखो, आज मैं ज्योग्राफी के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ यहाँ पर बिल्कुल रेगुलर की तरह। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर 37, और ये जो चैप्टर 37 है वो कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जरा फुरसेट इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 464 से लेकर 474 तक, और हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन हैं जिनको 10 मिनट में कंप्लीट करना है। यदि आप 6 क्वेश्चन सही कर रहे हो तो आपका स्कोर है जो बेस्ट होता है नॉर्मल है, 7 क्वेश्चन सही कर रहे हो तो आपका स्कोर गुड है, और यदि 8 क्वेश्चन सॉल्व करते हो सही करते हो आप तो आपका जो स्कोर है वो ग्रेट है। और देखो, इसके अलावा मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप और बना रखा हूँ, तो आप मेरे उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, और उस व्हाट्सएप ग्रुप के जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो हैं 7891350470। तो यदि आप इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ लेना चाहते हो या फिर मेरे उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो जहां पर मैं ये सभी क्वेश्चंस की पहले पीडीएफ डालता हूं, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। तो ये है वो कॉन्टैक्ट नंबर जिनके द्वारा आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो। और यदि आप चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ढेर सारे कमेंट करो और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो अब हम चलते हैं हमारे जो आज का मेन टॉपिक है जिसमें हम क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं उसके ऊपर चलते हैं हम, और बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हैं, बिल्कुल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 464 जिसको हम यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है। महासागरीय जल के तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, तीन कथन दिए हैं। पहला कथन है कि महासागरीय जल का औसत दैनिक तापांतर 25 डिग्री सेल्सियस होता है। महासागरीय जल का अधिकतम तापमान दिन में 2 बजे के आसपास आंका जाता है। महासागरीय जल का न्यूनतम तापमान मध्य रात्रि को रिकॉर्ड किया जाता है। तीन कथन है, तीनों में से कौन सा सही है बैंक से बताना है बिना ऑप्शन देखे हुए, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो आपका एक तरीके से कॉमन सेंस भी क्वेश्चन है, अपने कॉमन सेंस का यूज करके और आप इस क्वेश्चन का सही आंसर दे सकते हो। तो सबसे पहला होता है, आप आंसर बताओ फिर मैं बताऊंगा आपको। तो देखो, यहाँ पर हम एक एक की बात करते हैं। सबसे पहला है महासागरीय जल का औसत दैनिक तापांतर 25 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे पहले हमें यहाँ पर दैनिक तापांतर का मतलब होना पता होना चाहिए कि दैनिक तापांतर का मतलब क्या होता है, कि महासागरों के दिन का तापमान और रात का तापमान, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, महासागरों के जल के दिन के तापमान और रात के तापमान दोनों के बीच में जो अंतर होता है उसको हम दैनिक तापांतर बोलते हैं। ये 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ये बात बिल्कुल गलत है कि जो महासागरीय जल होते हैं उनके दिन और रात दोनों के तापमान के बीच में मात्र 0 डिग्री सेल्सियस का अंतर रहता है। कितने का? 0 डिग्री सेल्सियस का। महासागरीय जल का अधिकतम तापमान रात 2 बजे के आसपास, अधिकतम तापमान दिन में 2 बजे के आसपास आंका जाता है, ये बात बिल्कुल सही है कि जो महासागर होते हैं उनका जो टेम्परेचर होता है वो दोपहर के जो 2 बजे का टाइम होता है उसमें सबसे ज़्यादा रहता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो महासागर जल होता है या फिर कैसा भी जल होता है वो क्या करता है, जल धीरे धीरे तो गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। जो जल होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, और जब 12 बजे से धूप पड़ना स्टार्ट होती है तो वो जल 2 बजे के आसपास अच्छी तरीके से गर्म हो जाता है। तो इस वजह से ही महासागर जल का अधिकतम टेम्परेचर कितने बजे रहता है? 2 बजे।
तो इसमें दूसरी बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। महासागर जल का न्यूनतम तापमान मध्य रात्रि को रिकॉर्ड किया जाता है, ये बात भी गलत है, क्योंकि मैंने भी आपको बताया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर जो जल होते हैं वो धीरे धीरे ठंडे होते हैं, धीरे धीरे गर्म होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो न्यूनतम टेम्परेचर है वो सुबह के टाइम होगा, समथिंग 3 से 5 बजे के बीच में महासागर जल का न्यूनतम तापमान रहता है। तो देखो सबसे पहली बात है, महासागर के जल की सतह का औसत तापांतर नगण्य होता है, लगभग 1 डिग्री सेल्सियस होता है। दिन और रात के तापमान में होने वाले अंतर को दैनिक तापांतर कहा जाता है। महासागर जल का अधिकतम तापमान दिन के 2 बजे के आसपास होता है। जो महासागर जल है उसका अधिकतम तापमान 2 बजे के आसपास होता है। महासागर जल का औसत न्यूनतम तापमान 5 बजे होता है, कि जो सुबह के 5 बजे का टाइम होता है उस टाइम महासागर जल का न्यूनतम तापमान होता है। अब हम कुछ आपको रियली फैक्ट बताते हैं। तापमान की सर्वाधिक मात्रा अटलांटिक महासागर में न्यूफाउंडलैंड के समीप होती है। जो तापांतर की सर्वाधिक मात्रा है, तापांतर का मतलब दिन और रात के तापमान का अंतर, तो जो तापांतर का जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा अटलांटिक महासागर में कहाँ पर होती है, न्यूफाउंडलैंड के समीप, जो रहती है 20 डिग्री सेल्सियस। और प्रशांत महासागर में रहता है व्लादिवोस्तोक के निकट। जो प्रशांत महासागर का व्लादिवोस्तोक है वहां पर सर्वाधिक तापांतर रहता है, जो रहता है कितना कितना रहता है, 25 डिग्री सेल्सियस। और जो न्यूफाउंडलैंड है और जो व्लादिवोस्तोक है वहां पर दैनिक तापांतर का सर्वाधिक अंतर होने का सबसे बड़ा कारण होता है वहाँ का आसपास का एरिया और महासागरीय जलधाराएं, क्योंकि इस क्षेत्र में हो सकता है ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती हैं, तो उस वजह से भी दूसरा कारण हो सकता है उसके आसपास का क्षेत्र। अब आ जाओ भाई दूसरे क्वेश्चन पर, कौन सा कथन असत्य है। सबसे पहला कथन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महासागरों के पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। दूसरा कथन है, गहराई बढ़ने के साथ साथ महासागर जल के तापमान में कमी होती है। तीसरा कथन है, समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में महासागरों का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक ठंडा होता है। और चौथा कथन है, महासागर जल का अधिकतम तापमान स्थल भाग से ग्रेट ओशन कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। यहाँ पर ये चार हैं, चारों में से आपको जो गलत है उसका पता चलाना है कि यहाँ पर गलत कौन सा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो देखो यहाँ पर गलत है ऑप्शन सी। जो पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है यहाँ पर, और जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पर गलत है। अब देखो क्यों गलत है मैं बता देता हूँ आपको। एक बार हम बिल्कुल नॉर्मली तरीके से समझते हैं, वैसे नहीं समझ पाओगे आप, मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहला कथन था हमारा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महासागरों के पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर तो क्या है, नीचे बना लेते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन को समझा देता हूँ आपको। पहला कथन असत्य था, पहला कथन ये था कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महासागरों का पश्चिमी भाग व्यापारिक पवन से प्रभावित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक गर्म रहता है। हम एक डायग्राम बनाते हैं, ये है प्रशांत महासागर जो अमेरिका के निकट में, फिर ये है अटलांटिक महासागर, और फिर ये है एशिया के पास वाला प्रशांत महासागर, और इन दोनों के बीच में यहां पर क्या है, यहां पर है अमेरिकी महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, और यहां पर इन दोनों के बीच में कौन सा है, यहां पर है इन दोनों के बीच में एशिया, अफ्रीका और यूरोपीय कॉन्टिनेंटल, ये है यहां पर। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दोनों कथनों को पढ़ते हैं बिल्कुल जैसा मैंने बताया था आपको, उसी के अकॉर्डिंग बहुत सिंपल से तरीके से पढ़ेंगे हम। तो देखो पहले हम कथन पढ़ते हैं। पहला कथन था,
कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महासागर के पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक गर्म होता है। तो सबसे पहले बात तो ये ध्यान करो, वो बात ये है कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहां पर कौन सी पवनें बहती हैं। तो होता क्या है कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहां पर कौन सी पवनें बहती हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये जानना। तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहां पर व्यापारिक पवनें बहती हैं। कौन सी पवनें बहती हैं? व्यापारिक पवनें बहती हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, व्यापारिक पवनें बहती हैं। अब व्यापारिक पवनें कौन से डायरेक्शन में बहती हैं ये पता होना भी बहुत जरूरी है। भाई व्यापारिक पवनें तो बह रही हैं, लेकिन व्यापारिक पवनें किस दिशा में बह रही हैं ये जानना भी जरूरी है। तो जो व्यापारिक पवनें होती हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। आप सभी को पता है व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, तो जिसके कारण क्या होता है। अब हम चलते हैं यहाँ पर, देखो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापारिक पवनें बहती हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो व्यापारिक पवनें इस तरीके से बहती हैं, ये तीन महासागर हैं और ये बीच के महाद्वीप हैं, इस तरीके से बह रही हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। तो ये कौन सा है महासागर का पूर्वी भाग है, पूर्व से ये पश्चिम की ओर बह रही है, इस तरीके से बह रही है पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है, सॉरी ऐसे नहीं, मैं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित करना है इनको। तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहेंगे कैसे बहेंगे, बिल्कुल इस डायरेक्शन में बहेंगे, इस तरीके से पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है ये दोनों पवनें, ये महासागर के पूर्व से पश्चिम की ओर, ये महासागर के पूर्व से पश्चिम की ओर। अब देखो जब व्यापारिक पवनें महासागरों के पूर्व से पश्चिम की ओर बहेंगी तो क्या होगा, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पर जो स्थलीय भाग है महाद्वीपों का वो क्या है, गर्म है, क्या है, गर्म है। अब जब गर्म क्षेत्र के ऊपर पवनें प्रवाहित होंगी तो वो क्या होंगी, गर्म होंगी। अब जब ये पवन यहाँ से स्टार्ट हो रही है जहाँ पर इनका टेम्परेचर कम है क्योंकि ये महासागरों के ऊपर बहती हुई आ रही है, अब जैसे ये स्थलीय भाग के ऊपर बहेंगी जहाँ का टेम्परेचर अधिक है, अब ये पवनें महासागर के पूर्वी भाग से ही महासागर के पश्चिमी भाग की ओर बह रही हैं अधिक टेम्परेचर के क्षेत्र से, तो यहाँ पर क्या होगा, इनका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और जब ये महासागर के पश्चिमी भाग पर पहुँचेंगी तो इनका टेम्परेचर अधिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो महासागर क्षेत्र का पूर्वी भाग है उसका टेम्परेचर पश्चिमी भाग की तुलना में कम होगा, बिल्कुल समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं दूसरा, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में महासागर का पूर्वी भाग, दूसरा क्या था, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में महासागर का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की अपेक्षा ठंडा रहता है। अब याद करो कि जो समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं वहाँ पर कौन सी पवनें बहती हैं, पछुआ पवनें बहती हैं। अब पछुआ पवनें कैसे बहती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, ऐसे इस तरीके से बह रही हैं पछुआ पवनें, महासागरों के पश्चिम से महासागरों के पूर्व की ओर बह रही हैं। और जो समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है वहाँ पर क्या होता है, स्थलीय भाग का टेम्परेचर महासागरीय भाग की तुलना में कम होता है, क्या होता है, महासागर स्थलीय भाग का टेम्परेचर होता है जो महासागर की तुलना में कम होता है। अब क्या करेंगी कि जो पछुआ पवनें हैं वो महासागरों के पश्चिमी भाग से प्रभावित हो रही हैं, जहाँ से बहना स्टार्ट किया इन्होंने और स्थलीय भाग के ऊपर बहती हुई जहाँ पर टेम्परेचर कम है, अब ये कम टेम्परेचर वाले क्षेत्र से बहती हुई और महासागर के पूर्वी भाग में जाके पहुँचेंगी, तब तक क्या होंगी, ये बहुत ठंडी हो चुकी होंगी, जिसके कारण महासागरों का जो पश्चिमी भाग है उसका टेम्परेचर पूर्वी भाग के टेम्परेचर की तुलना में अधिक होगा। समझ में आ गया होगा ना भाई, यहाँ से ये महासागर के ऊपर बह रही हैं, यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ के टेम्परेचर जो स्थलीय भाग है उसके टेम्परेचर की तुलना में कम है, कौन से क्षेत्रों में, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, कि जब पछुआ पवनें पश्चिमी भाग में बहेंगी जहाँ पर इनका टेम्परेचर अधिक है और फिर ये ठंडे भाग, स्थलीय ठंडे भाग से बहती हुई महासागर के पूर्वी भाग तक पहुँचेंगी तो इनका टेम्परेचर बहुत कम हो चुका होता है,
जिसके कारण महासागर का जो पूर्वी भाग है उसका टेम्परेचर पश्चिमी भाग की तुलना में कम होता है। गहराई बढ़ने से महासागरीय तल के तापमान में ऊर्ध्वाधर कमी आती है। जैसे जैसे हम गहराई की ओर जाते जाएंगे तो महासागर का जो टेम्परेचर है उसमें कमी आती जाती है, लेकिन वो जो कमी है वो एक समान नहीं आती। ऐसे नहीं कि चलो एक किलोमीटर की दर से बढ़ रही है कि एक किलोमीटर पर 2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर घट रहा है, ऐसा नहीं होता। जो महासागर का जो स्टार्टिंग क्षेत्र होता है, शुरू का 100 मीटर होता है, फिर उसके बाद 2 किलोमीटर होता है, फिर 5 किलोमीटर होता है, तो जो शुरू का 100 मीटर का क्षेत्र होता है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा कम होता है, और जैसे जैसे हम महासागर के निचले भाग में जाते जाते हैं तो जो टेम्परेचर कम होने की जो दर है वो बिल्कुल कम हो जाती है। और महासागर के बिल्कुल तली वाले क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर जो टेम्परेचर कम होने की जो दर है वो बिल्कुल 0 के बराबर हो जाती है। कितनी हो जाती है? 0 के बराबर हो जाती है। महासागर जल का अधिकतम तापमान उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थल से घिरे हुए स्थानों पर होता है। महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन राजस्थान यूनिवर्सिटी में PhD एंट्रेंस एग्जाम हुआ था जिसमें पूछा था कि महासागरों की सतह का औसत टेम्परेचर कितना होता है, तो वो होता है 27 डिग्री सेल्सियस। जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर क्रमिक रूप से कम होता है उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि जो सूर्य होता है वो विषुवत रेखा के ऊपर लंबवत होता है और धीरे धीरे जो सूर्य की किरणों का कोण होता है वो ध्रुवों की ओर जाने पर कम हो जाता है। जैसे यहाँ पर कोई महासागर है, ये महासागरीय भाग है, ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। अब सूर्य यहाँ पर लंबवत यहाँ पर है तो यहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ेंगी, यहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत तिरछी पड़ेंगी, तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, जो ये वाला टेम्परेचर क्षेत्र है यहाँ का तापमान कम होगा, यहाँ का तापमान अधिक होगा और यहाँ का तापमान भी कम होगा। ठीक है, अब आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महासागरीय जल की लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कारकों पर विचार करो। हिमानी, पवन, महासागरीय धाराएं, वर्षण और वाष्पीकरण, इनमें से कौन कौन से कारक हैं जो महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करते हैं? यहाँ पर मैं आपको कोई ऑप्शन नहीं दूंगा, केवल इनको देख के ही बताना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको ऑप्शन नहीं दे रहा, और जिसको नहीं आ रहा है उसको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी तैयारी इतनी बेस्ट है कि आपको इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आपको तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत तगड़ी वाली तैयारी आपकी, और जिसको ये क्वेश्चन आ रहा है उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने कुछ तो पढ़ा, लेकिन हमें प्रिपरेशन बहुत ही सही ढंग से करनी है। तो महासागरीय जल की लवणता कौन कौन से कारकों से प्रभावित होती है हमें ये बताना है। इफेक्टिव फैक्टर ऑफ सैनलिटी इन 5 में से, तो देखो ये 5 के 5 कारक है, हिमानी, पवन, महासागरीय धाराएं, वर्षण और वाष्पीकरण, ये 5 के 5 हैं जो महासागरीय लवणता को प्रभावित करते हैं। थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं हम। महासागर के जल की लवणता विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग कारकों पर निर्भर करती है। महासागर की सतह पर लवणता मुख्य रूप से वर्षण और वाष्पीकरण द्वारा निर्धारित होती है। जो महासागर की जो सतह है उसके ऊपर जो लवणता होती है वो मुख्य रूप से वर्षण और वाष्पीकरण दोनों के द्वारा निर्धारित होती है। तटीय क्षेत्रों में नदी के विसर्जित ताजे जल से ध्रुव क्षेत्रों में बर्फ के पिघलने एवं जमने के द्वारा अधिक प्रभावित होती है। देखो क्या होता है कि जो महासागरों की जो सतह होती है या महासागर की जो लवणता होती है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे होती है? वाष्पीकरण से और वर्षण से। जब वर्षण में क्या होता है, ताज़ा जल होता है, शुद्ध जल होता है, और जब वो महासागरों में मिलता है तो लवणता कम हो जाती है, और जब ज़्यादा वाष्पीकरण होता है तो लवणता बढ़ जाती है। पहली बात, तटीय क्षेत्रों में नदी के विसर्जित ताजे जल से लवणता कम होती है और ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के पिघलने से लवणता कम होती है। उसके बाद आता है पवन, भी जल का स्थानांतरण करती है जिससे लवणता प्रभावित होती है। जैसे पवन महासागर के ऊपर प्रभावित होती हैं तो वो एक साइड के जल को दूसरे साइड की ओर प्रभावित करती हैं,
जिससे अधिक लवणता वाला जल कम लवणता के क्षेत्र में चला जाता है, कम लवणता का जल अधिक लवणता वाले क्षेत्रों में चला जाता है। तो इससे क्या होता है, लवणता प्रभावित होती है। महासागर जलधाराएं भी लवणता को प्रभावित करती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कोई जलधारा अधिक लवणता से कम लवणता की ओर बह रही है तो वो अधिक लवणता वाले जल को कम लवणता वाले जल की ओर लेके आएगी। यदि कोई जलधारा कम लवणता से अधिक लवणता वाले क्षेत्र की ओर प्रभावित हो रही है तो वो कम लवणता वाले जल को अधिक लवणता वाले जल की ओर लेके जाएगी। तो इस तरीके से पौने और जलधाराएं दोनों के दोनों लवणता को प्रभावित करती हैं। उसके बाद आता है तापमान और घनत्व। ये दो फैक्टर हैं, तापमान और घनत्व दोनों लवणता को प्रभावित करते हैं, क्योंकि तापमान और घनत्व में परिवर्तन होने से लवणता प्रभावित होती है। अब उसका मैं कारण बताता हूँ। जब तापमान हाई होता है, तापमान ज़्यादा हो जाता है तो घनत्व कम हो जाता है और जल अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर प्रभावित होता है। तो इससे जो अधिक घनत्व वाला जो जल है वो कम लवणता वाले कम घनत्व वाले जल की ओर आएगा। दोबारा बता रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ने पर घनत्व घट जाता है, दाब घट जाता है। तो क्या होगा, जल होता है जो उच्च दाबीय क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रभावित होता है। तो जल अधिक दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रभावित होगा तो उससे लवणता प्रभावित होगी। दूसरी साइड घनत्व, जल होता है जो उच्च घनत्व वाले क्षेत्र से निम्न घनत्व वाले क्षेत्र की ओर प्रभावित होता है तो उससे भी लवणता प्रभावित होगी। उसके बाद आता है महासागर के जल की लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। आपके पास दो कथन दिए हैं जो महासागर के जल की लवणता के संबंधित हैं। दोनों में से आपको सही का पता चलाना है कि कौन सा सही है। सबसे पहला है, गहराई में महासागर जल की लवणता लगभग नियत रहती है। निम्न लवणीय जल उच्च लवणीय व घनत्व वाले जल के ऊपर स्थित होता है। ये आपके पास दो कथन है, दोनों में से सही कथन का आपको पता चलाना है। आपके पास टोटल चार ऑप्शन है जो चारों के चारों दिख रहे हैं। थोड़ी सी मेहरबानी करके आप सही आंसर का बताने की कोशिश करें, और यदि कोई बताए दें तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हो। थोड़ी सी कोशिश करो मेहरबानी करके ऊपर मेरे ऊपर इस क्वेश्चन के ऊपर, कैसे भी करो मेहरबानी। तो देखो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ये दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। महासागर गहराई में महासागर जल की लवणता लगभग नियत रहती है। निम्न लवणीय जल उच्च लवणीय व घनत्व वाले जल के ऊपर स्थित होता है। ये दोनों बात बिल्कुल सही है। आ जाओ भाई आगे। महासागर की गहराई में किसी प्रकार के पानी का ह्रास या नमक की मात्रा में वृद्धि नहीं होती। कि जो महासागर की जो गहराई होती है, हम बहुत अधिक गहराई में चले जाते हैं तो वहाँ पर जल की लवणता में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, वहाँ पर लवणता बिल्कुल नियत रहती है। महासागरों के सतह जल एवं गहरे क्षेत्रों में जल के बीच लवणता में स्पष्ट अंतर पाया जाता है। जो महासागरों के जो सतही क्षेत्र होता है वहाँ की लवणता में, और जो गहराई वाला क्षेत्र होता है वहाँ की लवणता में स्पष्टली रूप से अंतर पाया जाता है। मोस्टली होता क्या है, जो सतही लवणता होती है वो अधिक होती है और महासागरों में जो गहराई वाला क्षेत्र होता है वहाँ पर लवणता कम होती है। उसका कारण ये है कि जो सतही क्षेत्र होता है उसके जल का वाष्पीकरण होता रहता है। दूसरी बात है, यहाँ पर कम लवणता वाला जल उच्च लवणता वाले व घनत्व वाले जल के ऊपर स्थित होता है। अब आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। महासागरीय जल के संदर्भ में संबंधित निम्नलिखित कारकों पर विचार करो। महासागरीय जल से संबंधित निम्नलिखित कारकों पर विचार करो। पहला कारक है महासागरीय धाराएं, दूसरा है लहरें, तीसरा है ज्वारभाटा, चौथा है तरंग। उपयुक्त कारकों में से कौन सा जल की ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित है, कौन सा कारक है जो जल की ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित है, बताओ। यहाँ पर आपको मैं कोई ऑप्शन नहीं दूंगा, केवल यहीं से बताना है आपको। जल्दी जल्दी बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वरना मैं तो बताऊंगा। तो देखो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो मैं ही बता देता हूँ आपको, थोड़ी सी रिक्वेस्ट करके से आपके। देखो जो महासागर जल से संबंधित निम्नलिखित कारकों पर विचार करो जल की ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित है, तो वो है ज्वारभाटा। ज्वारभाटे के कारण जल में ऊर्ध्वाधर गति होती है। क्या होती है, जल की ऊर्ध्वाधर गति होती है। ऊर्ध्वाधर गति का मतलब होता है जल का
ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर गति करना, वो होता है ऊर्ध्वाधर गति। तो ज्वार निपाटन क्या होता है, जल आकर्षण शक्ति के कारण ऊपर उठता है फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर उठता है फिर नीचे गिरता है। समझ में आ गया होगा ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, देन स्टेटमेंट थर्ड इज राइट। देखो महासागर जल में दो प्रकार की गतियाँ होती हैं, एक ऊर्ध्वाधर गति होती है, दूसरी क्षैतिज गति होती है। महासागरीय धाराएं, लहरें और तरंगें जल का क्षैतिज से क्षैतिज गति से संबंधित होती हैं, कि जो महासागरीय धाराएं होती हैं, लहरें होती हैं और तरंगें होती हैं, इनमें क्षैतिज गति होती है, जबकि जो ज्वार भाटा होता है उसमें ऊर्ध्वाधर गति होती है। सामान्यतः क्षैतिज गति के द्वारा जल एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन करता है, कि जब जल में क्षैतिज गति होती है तो उससे क्या होता है, जल एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करता है। महासागरीय जल की ऊर्ध्वाधर गति का अभिप्राय होता है जल का ऊपर उठना फिर नीचे गिरना। तो चंद्रमा और सूर्य की आकर्षक शक्ति के कारण महासागरीय जल दिन में दो बार ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। ठीक है, अब आगे आ जाओ भाई। महासागरीय तरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। किसके संदर्भ में, महासागरीय तरंगों के संदर्भ में। तरंगी वस्तुतः एक ऊर्जा है जो महासागरीय जल की आर पार गति करती है। तरंगों में जलकण छोटे वर्ताकार रूप में गति करते हैं। तटों के किनारे तरंग की गति कम हो जाती है। तीन कथन है, तीनों में से कौन सा सही है जल्दी से जल्दी बताओ, फिर थोड़ी सी मेहरबानी करके सही आंसर बताने की कोशिश करें। तो देखो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है कथन फर्स्ट, कथन सेकंड और कथन थर्ड। ऑल ऑफ दिस स्टेटमेंट इज राइट, ये जो तीनों के तीनों कथन है वो बिल्कुल सही है। किसके संदर्भ में, महासागरीय तरंगों के संदर्भ में। देखो महासागर में तरंग जल की क्षैतिज गति के लिए उत्तरदायी होता है, कि जो महासागरों में जो तरंगें होती हैं उनके कारण क्षैतिज गति होती है, जल की क्षैतिज गति होती है। ये तरंगे वस्तुतः ऊर्जा है न कि जल, जो महासागरीय तरंगें होती हैं वो ऊर्जाएं होती हैं ना कि जल, जो कि महासागरीय सतह के आर पार गति करती हैं। महासागरीय तरंगों में जल के कण छोटे वर्ताकार रूप में गति करते हैं। जो महासागरीय तरंग होती है उनमें जो जल होता है और जल के जो छोटे कण होते हैं वो वर्ताकार रूप में गति करते हैं। वायु के प्रभाव में तरंगें महासागरों में गमन करती हैं। जैसे ही कोई तरंग महासागरों के तट पर पहुंचती है इसकी गति कम हो जाती है और तट रेखा पर अपनी ऊर्जा मुक्त करती है। अब आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महासागरीय तरंग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, जो महासागरीय तरंगे हैं उनसे संबंध में कौन सा कथन असत्य है। एक बार बात कर लेते हैं इसके ऊपर हम। जल की गहराई तरंग के संदर्भ में आधे से कम होती है और तरंग टूट जाती है। दूसरा है खुले महासागरों में छोटी तरंगे पाई जाती हैं। तीसरा है युवा तरंगे पुरानी तरंगों से अधिक ढाल वाली होती हैं। और चौथा है तरंग का आयाम उसकी ऊंचाई का आधा होता है। ये चार आपके पास कथन है, मैंने इसका आंसर पहले बता दिया आपको, इसी मेहरबानी करके। यहाँ पर मैंने आपसे कोई मेहरबानी नहीं मांगी, डायरेक्टली इसका आंसर बता दिया कि कौन सा कथन क्या है असत्य है। तो यहाँ पर जो कथन बी है वो असत्य है और जो ए सी और डी ये तीनों के तीनों कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्या है, कथन बी इज रॉन्ग एंड कथन ए सी डी इज राइट। अब होता क्या है, खुले महासागरों में बड़ी तरंगें पाई जाती हैं। ये तरंगें जैसे ही आगे बढ़ती हैं तो बड़ी होती जाती हैं, कि जो खुले महासागर होती हैं उनमें बड़ी तरंगें पाई जाती हैं और ये तरंगें जैसे ही आगे बढ़ती हैं तो बड़ी होती जाती हैं और वायु से ऊर्जा को अवशोषित करती हैं। तरंग का आकार एवं उसकी आकृति उसकी उत्पत्ति को दर्शाता है। युवा तरंगें पुरानी तरंगों की अपेक्षा अधिक ढाल वाली होती हैं। तट के निकट तरंगों की गति कम हो जाती है। गत्यात्मक जल के आपसी घर्षण के परिणाम स्वरूप होता है, कि जैसे ही
तरंगी तटों के निकट पहुंचती हैं तो उनकी गति होती है वो कम हो जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण है गत्यात्मक जल के आपसी घर्षण के कारण। क्या होता है? गत्यात्मक जल के आपसी घर्षण के कारण। अब भाई आ जाओ आठवें प्रश्न पर कि महासागर धाराओं की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कारकों पर विचार करो, जिसमें आपके पास तीन कारक हैं। पहला है वायु गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है कोरियोलिस बल, तीसरा है सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना। उपयुक्त कारकों में से कौन से जल की गति को प्रारंभ करने वाले प्राथमिक बल हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वहाँ पर मैं ही बता देता हूँ कि जो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है उससे संबंधित तीन टोटल स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उपयुक्त तीनों में से हमें जल की गति को प्रारंभ करने वाले प्राथमिक बलों का पता चलना है। देखो यहाँ पर तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही है, गुरुत्वाकर्षण बल, कोरियोलिस बल और सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना। थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ मैं आपको आगे चल के। देखो महासागरीय धाराएं दो प्रकार के बलों द्वारा प्रभावित होती हैं। जो महासागरीय धाराएं होती हैं वो दो प्रकार के बलों से प्रभावित होती हैं। पहला होता है प्राथमिक बल, और प्राथमिक बल वो होता है जो महासागरों में जल की गति को प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी होता है, जैसे कोरियोलिस बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है और सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के संदर्भ में तापीय विभिन्नता और लवणता ये दोनों द्वितीयक बल हैं। प्राथमिक बल वो होते हैं जिनसे महासागरीय धाराएं प्रारंभ होती हैं, जैसे कोरियोलिस बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है और सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना है। और जो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के संदर्भ में जो द्वितीयक बल हैं जैसे तापीय विभिन्नता है और लवणता में विभिन्नता है। अब आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला कथन है उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में सतही धारा प्रभावित होती हैं प्रवाहित होती हैं। उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में सतही धाराएं प्रभावित होती हैं। महासागरीय जल का अधिकांश हिस्सा सतही धारा के रूप में प्रभावित होता है। ये आपके पास टोटल चार ऑप्शन है, सॉरी दो कथन है, और ये टोटल आपके पास चार ऑप्शन है। यहाँ पर आपको पता चलाना है कि कौन सा कथन सत्य है, इन दोनों कथनों में से पता चलाना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो देखो उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में सतही धारा प्रभावित होती हैं, बात गलत है। महासागर जल का अधिकांश हिस्सा सतही धारा के रूप में प्रभावित होता है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर दोनों कथन बिल्कुल गलत हैं। अब देखो क्यों गलत है मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में कम तापमान होने के कारण जल का घनत्व अधिक होता है, इस कारण पानी नीचे की ओर बैठ जाता है, फलस्वरूप इन क्षेत्रों में गहरी जलधाराएं बहती हैं। महासागरीय जल का केवल 10% भाग ही सतही धारा के रूप में प्रभावित होता है। ऊपरी और सतही धाराएं लगभग महासागरों में 400 मीटर की गहराई तक पाई जाती हैं। जो ऊपरी या सतही धाराएं होती हैं वो महासागरों में 400 मीटर की गहराई तक पाई जाती हैं। महासागरीय जल का 90% भाग गहरी जलधारा के रूप में होता है, कि जो महासागरीय जल है उसका 90% भाग गहरी जलधाराओं के रूप में होता है। महासागर के जल में विद्यमान घनत्व के अंतर के कारण प्रभावित होता है, ये महासागरों के जल में विद्यमान घनत्व में अंतर के कारण प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दसवां क्वेश्चन। गर्म समुद्री धारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ये धाराएं दोनों गोलार्धों में उच्च अक्षांशों के क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट से प्रभावित होती हैं, पश्चिमी तट पर प्रभावित होती हैं। किसके? दोबारा पढ़ लो कि ये धाराएं दोनों गोलार्धों में उच्च अक्षांशों के क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर प्रभावित होती हैं। ये धाराएं दोनों गोलार्धों में निम्न व मध्य अक्षांश वाले क्षेत्रों में महाद्वीपों के पूर्वी तट पर प्रभावित होती हैं, और ये संबंधित है गर्म समुद्री धारा के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? गर्म समुद्री धारा के संदर्भ में। ये टोटल चार ऑप्शन आपके पास और ये दोनों कथन आपके पास, इन दोनों कथनों से पता चलाना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो देखो यहाँ पर जो कथन बी है वो बिल्कुल सही है,
और ये क्यों सही है एक बार इसको पढ़ लो आप, वरना मैं जब जलधारा डिटेल से पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने ये सारी बातें बता रखी हैं कि जो ठंडी जलधाराएँ होती हैं वो महाद्वीपों के कौन से तट पर और महासागरों के कौन से तट पर प्रभावित होती हैं, गर्म जलधाराएँ महाद्वीपों के कौन से तट पर और कौन से महासागरों के कौन से तट पर प्रभावित होती हैं। बहुत आसानी से आप उनको समझ लोगे। तो जलधाराओं के मैंने 5-6 वीडियो बनाए हैं, उन सभी को आप ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। और इसको आप खुद को पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ूंगा इसको। क्या करना है आपको, खुद को पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ूंगा इसको। और मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका लिंक मैं आजकल इसमें देना स्टार्ट कर दूंगा, जो स्टार्टिंग में बताता हूँ वहीं। और प्लीज़ आप इन क्वेश्चनों को लिखने की कोशिश मत करो, आप लिखोगे एक तरीके से अपना टाइम वेस्ट करोगे। मैं इन सभी क्वेश्चनों की आपको PDF दे दूंगा बिल्कुल डिस्क्रिप्शन के साथ, और आप PDF लेने की ज़रूर कोशिश करें। बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए मेरे WhatsApp ग्रुप में जुड़ने की कोशिश करें। और प्लीज़ नए हो चैनल के ऊपर तो इसको सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ढेर सारे कमेंट करो, लेकिन मेरी और आपकी इज्जत को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, बाय।